नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। शाम के 5 बज रहे हैं और वक्त हो गया है दंगल का। और राजस्थान में सचिन पायलट बनाम अशोक गहलोत का दंगल अब भी चल रहा। कांग्रेस के 19 विधायकों को विधानसभा स्पीकर के अयोग्यता नोटिस पर हाईकोर्ट में बहस जारी है। कांग्रेस नेतृत्व सचिन पायलट को अब भी समझाने बुझाने की मुद्रा में दिख रहा है, लेकिन राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पायलट के खिलाफ सीधा मोर्चा खोले बैठे। आज एक बार फिर अशोक गहलोत मीडिया के सामने आए और सचिन पायलट को उन्होंने नकारा और निकम्मा तक करार दे दिया। वो यहां तक कह गए कि पायलट का योगदान क्या है ये जनता जानती है। गहलोत ने दोहराया कि पायलट बीजेपी के साथ मिलकर उनकी सरकार के खिलाफ 6 महीने से साजिश कर रहे हैं। सवाल यह कि क्या गहलोत और पायलट के संग्राम पर कांग्रेस दुविधा में? कांग्रेस ने पायलट को पदों से हटा दिया, लेकिन क्या अब भी पायलट को लेकर नफा नुकसान टटोला जा रहा है और गहलोत उनके सारे रास्ते बंद करना चाहते हैं? इसीलिए दंगल में आज की बहस है। ड्रामा रामा, क्या है ड्रामा? देखिए पहले ये रिपोर्ट, उसके बाद बताएंगे मेहमान आज कौन कौन। किस रूप में उन्होंने पिछले 6 महीने से कॉन्स्पिरेसी करी, जिस रूप में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एक बार फिर मीडिया के सामने आए और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट के खिलाफ ऐसा मोर्चा खोल बैठे कि उनके लिए कांग्रेस में संभावनाओं के दरवाजे बंद हो जाएं। हम जानते थे कि निकम्मा है, नकारा है, कुछ काम नहीं कर रहा है, खाली लोगों को लड़वा रहा है। मेरे साथ हो कि नहीं हो, मैं यहाँ बैंगन नहीं आया हूँ, मैं यहाँ कोई सब्जी बेचने नहीं आया हूँ, मैं मुख्यमंत्री बन आया हूँ। अशोक गहलोत का ये हमला ऐसे वक्त में है जब अभी भी पायलट कांग्रेस में बने हुए हैं और उन्होंने कांग्रेस नेतृत्व के खिलाफ कोई बयानबाजी नहीं की है। मान सम्मान दिया, पूरा सब कुछ किया। वो व्यक्ति कांग्रेस की पीठ के अंदर छुरा भोंके जाने के लिए तैयार हो जाए, ये जो खेल अभी हुआ है ये 10 मार्च को होता। कोई अच्छा इंग्लिश नहीं बोलना, अच्छी बाइट देना, वो सब कुछ नहीं होता है। अच्छे हैंडसम पर्सन की वजह सब कुछ नहीं होता है। आपके दिल में क्या है देश के लिए, आपका कमिटमेंट क्या है, आपकी विचारधारा, नीति, कार्यक्रम जो है आपकी पार्टी के, कितना बड़ा कमिटमेंट है आपका, ये सब देखा जाता है आपको। सिर्फ गहलोत ही नहीं, उनके समर्थक विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा ने सीधे सीधे आरोप लगा दिया कि सचिन पायलट गुट ने उन्हें खरीदने की कोशिश की थी। तो सचिन जी से बात, उन्होंने पैसे की वजह से बात जरूर की थी। कितना पैसा? सचिन पायलट ने आपको कहा था कि आप पैसा लीजिए। पैसा लीजिए क्या? 35 करोड़ की बात आई थी, 35 से ऊपर भी थी। 35 की आई, चिंता मत करो, 35 की रेट है। खरीद फरोख्त के इस आरोप पर पायलट कैंप ने अभी जवाब नहीं दिया है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक मानहानि का मुकदमा विधायक गिरिराज के खिलाफ दर्ज कराया जा सकता है। उधर गहलोत और उनके समर्थक भले ही सचिन पायलट के खिलाफ जोर शोर से लगे हों, लेकिन पार्टी नेतृत्व पायलट से मामला सुलझा लेने के विकल्पों को छोड़ नहीं रहा। आप महत्वपूर्ण अंग है प्रजातंत्र का, हम इसको स्वीकारते, परंतु परिवार का मामला परिवार में बैठकर सुलझेगा, मीडिया में बयानात से नहीं सुलझ सकता। अगर आपकी कोई बात है तो परिवार में वापस आकर आप परिवार के अंदर वो बात रख सकते। गहलोत पायलट के विवाद को सुलझा लेना ही कांग्रेस के हित में है, पार्टी नेतृत्व ऐसा मानकर चल रहा है, लेकिन गहलोत अब समझौते के मूड में नहीं दिखते। शरद कुमार, जयपुर, आज तक। तो आपको बता दें कि दंगल में आज हमारे साथ रागिनी नायक है, वो कांग्रेस का पक्ष रखेंगी। शाहनवाज हुसैन हमारे साथ हैं, वो बीजेपी का पक्ष रखेंगे। अजय आलोक हमारे साथ हैं, नेता हैं जेडीयू के। और आशुतोष हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, सत्यहिंदी.com चलाते हैं और इसके पहले खुद भी राजनीति में रह चुके हैं, आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़ चुके हैं। रागिनी से मैं पहला सवाल लेना चाहता था, लेकिन रागिनी तक मुझे बताया गया अभी आवाज पहुंच नहीं रही। रागिनी मुझे सुन पा रही हैं? शायद रागिनी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है, तो हम राजनेताओं के पास जाएं। सबसे पहले आशुतोष आपकी बात सुन लेते हैं। अशोक गहलोत जी आज कहते हैं कि सचिन पायलट अपने समर्थकों को कहते थे मैं यहां बैंगन बेचने नहीं आया हूं, सीएम बनने के लिए आया हूं। यह निकम्मा है, नकारा है, जनता देख रही है क्या कर रहा। और कल कांग्रेस पार्टी के नेता कह रहे थे कि उनके लिए पार्टी के दरवाजे खुले, तो यह ड्रामा क्या है सर? नहीं देखिए रोहित, इसमें ड्रामा बहुत स्पष्ट है। जिस तरीके से अशोक गहलोत के तेवर हैं, उन तेवरों से बिल्कुल साफ है
क्योंकि ऐसा लगता है जैसे कि दिल्ली में जो आलाकमान बैठा हुआ है अशोक गहलोत, इनके बीच में मतभेद बहुत ज्यादा उभर कर आ गए हैं। एक तरफ खबर यह आती है कि प्रियंका गांधी जो है वो बातचीत कर रही है राजेश सचिन पायलट से, उनको समझाने की कोशिश कर रही है, उनको कॉन्फिडेंस में लेने की कोशिश कर रही है। इसका मतलब यह कि सचिन पायलट ने दरवाजे खोल रखे हैं, सचिन पायलट कहीं ना कहीं कोई एक रास्ता खोज रहे हैं कि किसी तरीके से वापसी हो जाए या कम से कम ये मामला सुलट जाए कुछ समय के लिए। लेकिन ऐसे वक्त में जब ये खबर आए कि प्रियंका गांधी सचिन पायलट से बात कर रही है, उसी समय अगर अशोक गहलोत बाहर निकल के कहते हैं ये तो निकम्मा है, तो इसका मतलब बिल्कुल स्पष्ट है कि अशोक गहलोत ने तय कर रखा है कि किसी भी हालत में सचिन पायलट को कि राजस्थान के कांग्रेस के अंदर कोई वापसी नहीं होने वाली है। यानी राजस्थान के अंदर अशोक गहलोत के रहते हुए सचिन पायलट के रास्ते पूरी तरीके से बंद है। ये एक तरफ जो है वो इस बात को साबित करता है कि सचिन पायलट ने जो खेल खेला वो खेल उनके ऊपर उल्टा पड़ गया। दूसरी तरफ ये इस बात को भी साबित करता है कि कांग्रेस आलाकमान बहुत कमजोर हो चुका है और आलाकमान जो है वो अपनी बात को राज्य के जो बड़े मजबूत नेता है उनके ऊपर लागू कराने में पूरी तरीके से असफल है। इसीलिए अगर आप देखें तो राहुल गांधी बिल्कुल चुप है और प्रियंका गांधी की तरफ से खबरें आती कि प्रियंका गांधी सचिन पायलट से बातचीत कर रहे हैं। तो ये कांग्रेस पार्टी के अंदर गहरे मतभेद है सचिन पायलट को लेकर, आलाकमान की कमजोरी का प्रतीक है। सचिन पायलट को पूरी तरीके से कांग्रेस से बाहर करने का मन अशोक गहलोत ने बना रखा है, ये इस ओर इशारा करता है। चलिए रागनी नायक तक अब आज पहुंचने लगी है। रागनी जी, मैंने ट्वीट किया कि 5 बजे दंगल में विषय क्या है, तो आपने ऊपर एक ट्वीट लिखा जिसका लब्बो लुआब यह है कि सचिन पायलट को सब दिया गया था, उनमें धीरज रहता तो सब कुछ ठीक चलता, अब वो भाजपा के हाथ की कठपुतली बन गए हैं। आखिरी पंक्ति बड़ी शानदार आपने लिखी कि पिता भी पुत्र से निराश हो तो फटकार लगा देते हैं। पर रागनी जी, मीडिया कैमरे बुला के 40 चैनलों के सामने कौन सा बाप अपने बेटे को फटकारता है, बताइए ना रोहित जी। 40 कैमरे बुलाकर मोदी जी अपनी माता जी के चरण छूते हैं और वो भी मीडिया दिखाता है, तो अब ये जमाना ही ऐसा है मीडिया बूम का। आपके और हमारे लिए तो ये अच्छा ही विषय है कि पारदर्शिता के साथ हर बात रखी जा सकती है। और बहुत अच्छा लगा मुझे कि आपने मेरा ट्वीट इतने गौर से पढ़ा, तो मैं ये बात भी उसमें जोड़ देना चाहती हूँ कि ये कहा जाता है कि जिसका हृदय कभी समीप था वही दूर जाता है और क्रोध आता उसी पर जिससे कुछ नाता है। तो आप ये बात मेरी मानिए कि गहलोत जी ने ये भी कहा था कि नई पीढ़ी अगर थोड़ा संयम रखे तो आने वाला भविष्य उसका है, पर यदि वही नई पीढ़ी भारतीय जनता पार्टी के हाथों की कठपुतली बन जाए, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा रचे गए षड्यंत्र में फंसकर अपने ही परिवार को, अपने ही संगठन को, अपनी ही सरकार को नष्ट कर देना चाहे, तो उस पर क्रोध भी आएगा और निराशा भी होगी, और ये क्रोध और निराशा के ही स्वर है। लेकिन इसी के साथ साथ रोहित जी, ये भी हमें याद रखना चाहिए कि केवल शब्दों पर ना जाएं, भाव भी समझें। अगर आप केवल शब्दों पर जाएंगे तो मुझे अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी बीच में लाना पड़ेगा, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, जिन्होंने कहा था कि नरेंद्र मोदी जी मुख्यमंत्री थे गुजरात के लेकिन अपना राजधर्म नहीं निभा रहे थे। तो या तो ये भी मान लें आप और शहनवाज जी कि अधर्मी रहे नरेंद्र मोदी जी, जब भी सत्ता में आते हैं अधर्मी ही बन जाते हैं, वरना कहने वाले की भावना को भी समझे और बात तोड़ मरोड़। नरेंद्र मोदी जी को अधर्मी कहना, ये मैं इस पर मेरा 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 सिर्फ इतना सा कहना है, एक सेकंड शहनवाज जी की बड़ा आलोचना करता हूँ। हमारे प्रधानमंत्री को अधर्मी कहे ये कतई बर्दाश्त नहीं, आपको इतराज करना चाहिए। अभी आपको मौका मिलेगा, आप पूरा इतराज जता दीजिएगा सर। इस तरह की भाषा को अलाउ करेंगे आप? नहीं, मैं आपसे कह रहा हूँ, आपको अभी समय मिलेगा, आप पूरा इतराज जताइए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। आप दोनों बैठे एक दूसरे की बातों पर एतराज जताने के लिए, आपका समय अब शुरू हो रहा है, आप एतराज जताइए, पूरा खुल के जताइए, कोई नहीं रोकेगा आपको, बोलिए अपनी बात। देखिए, पहली बात तो ये, इनको ये शब्द वापस लेना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री को अधर्मी कहना, ये देश के प्रधानमंत्री का नहीं, देश का अपमान। जिस तरह की भाषा कांग्रेस के नेता आकर टेलीविजन पर प्रधानमंत्री के बारे में बोलते हैं, देश के लोगों का दिल दुखता है। मैं तो कहता हूं कि जिस तरह की भाषा आज बोली, रणदीप सुरजेवाला कह रहे हैं कि सचिन पायलट के लिए दरवाजे खुले हैं, नेता बात कर रहे हैं, और अशोक गहलोत उन्हें निकम्मा और नाकारा कह रहे हैं। मनमोहन सिंह जी को बताना चाहिए था कि क्या एक निकम्मा और नाकारा व्यक्ति को उन्होंने प्रधानमंत्री रहते हुए मंत्री बनाया। जवाब देना चाहिए राहुल गांधी जी को कि एक निकम्मा और नाकारा व्यक्ति को आपने प्रदेश अध्यक्ष बनाया। वो सचिन पायलट जो कांग्रेस पार्टी के अभी भी सदस्य हैं, कांग्रेस ने बाहर नहीं निकाला। जिस तरह की भाषा अशोक गहलोत जी ने बोली और जिस तरह की भाषा रागिनी नायक जी ने बोली,
ये दुर्भाग्यपूर्ण है। अपने नेताओं के लिए भी आपके पास कोई सम्मान नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं कि जब नाश मनुष्य पर छाता है, विवेक पहले मर जाता है। जिस तरह की भाषा, जिस तरह की जबान आप विरोधी के लिए बोलते थे, हमारे नेता को जितनी गालियां दी हैं लोकसभा के चुनाव में, नरेंद्र मोदी जी को जितनी गाली आपने दी, जनता ने उतना प्यार किया। लेकिन आप अपने ही पार्टी के नेता को मनमोहन सिंह जी कह दें कि उन्होंने प्रधानमंत्री रहते मंत्री बनाया तो निकम्मे को बनाया। कांग्रेस पार्टी अपना घर नहीं संभाल रही, और गाली जब आप सवाल पूछते हैं तो हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी के लिए जो शब्द कहा है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। ठीक सर, जहाँ तक अटल जी सवाल, अटल जी ने कहा था नरेंद्र मोदी जी राजधर्म निभा रहे हैं। ठीक सर, ये अटल जी की जबान मुंह में अपनी बात मत डाली। ओके सर, अजय आलोक, रागनी जी एक एक करके सबका कमेंट हो जाए, फिर आपके पास आऊंगा। अजय आलोक, केसी त्यागी कह रहे हैं कि अशोक गहलोत को इस्तीफा दे देना चाहिए। ठीक है, कांग्रेस का आपसी झगड़ा है, अशोक गहलोत सचिन पायलट एक दूसरे पे आरोप लगाते हैं, समझ में आता है। उन्होंने बीजेपी का नाम लिया कि बीजेपी हमारे एमएलए खरीद रही थी, बीजेपी जवाब देती है, समझ में आता है। लेकिन जेडीयू के नेता कह रहे हैं कि इस्तीफा दे देना चाहिए अशोक गहलोत को, आपको क्या नाराजगी हो गई अशोक गहलोत से? भाई रोहित जी, नाराजगी की बात नहीं है, ये बात आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, पूरा देश जानता है कि मुर्दे पे 100 मन पानी से भी नहलाइएगा ना तो मुर्दा जीवित नहीं होता है। कांग्रेस पार्टी मित्र पाए हो गई और अपने हरकतों की वजह से हुई है, और अपने हरकतों की वजह से हुई तो इसीलिए अब ये गहलोत वहलोत भी जानते हैं कि सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। आने वाले 6-7 दिन के अंदर देखिए क्या होता है। अब सचिन पायलट को आप कितना भी कोसेंगे, उसे ना सचिन पायलट वापस आने वाले हैं, ना गहलोत फिर से मजबूत होने वाले हैं। और ये सृष्टि का नियम है, पुराने लोग हटेंगे तभी नई पौध आगे बढ़ेगी। ये बात कांग्रेस पार्टी जितनी जल्दी समझ ले वो ज्यादा अच्छा है। इसलिए केसी त्यागी ने कहा कि बहुत अपना सम्मान को रखते हुए गहलोत जी को इस्तीफा दे देना चाहिए, जिनके कारण पूरे प्रदेश में बवाल मच गया, और नई पीढ़ी को आगे आने का मौका मिलना चाहिए। रागनी नायक, आशुतोष जी की बात उम्मीद है आपने सुन ली होगी, उस वक्त तक आप कनेक्ट नहीं हुई थी। हालांकि आशुतोष का कहना है कि एक तरफ केंद्रीय नेतृत्व से यह संकेत आना कि हम सचिन पायलट को वापस लाने में कोशिश कर रहे हैं, हमारी सद्भावना है उनके साथ, दरवाजे बंद नहीं है उनके लिए, और दूसरी तरफ अशोक गहलोत का खुलेआम सचिन पायलट को आके निकम्मा कहना, नकारा कहना, उनके बारे में इस तरीके की बातें करना, यह बताता है कि कांग्रेस आलाकमान अपना इकबाल खो चुका है। अशोक गहलोत के आगे तो कम से कम कांग्रेस की केंद्रीय नेतृत्व की नहीं चल रही। रोहित जी, मुझे लगता है कि इस तर्क में कोई सिरपैर नहीं है। ये कह देना कि अगर परिवार में, अगर पार्टी में, अगर संगठन में थोड़ी उहापोह है, विचारों का द्वंद है, अगर आपसी मतभेद है, तो हम ये मान लें कि वो संगठन भी खत्म हो गया, उस संगठन के नेताओं में भी शक्ति नहीं बची, और कहीं ना कहीं आपसी मतभेद इतना ज्यादा है कि अब पार्टी ही नेस्तनाबूत हो जाएगी। तो मुझे लगता है कि जो व्यक्ति ये बात कहेगा उसको लोकतंत्र की समझ भी नहीं होगी, और किस तरह से जीवंत संगठन आगे बढ़ते हैं इस बात की भी समझ नहीं होगी। कांग्रेस पार्टी खत्म हो जाएगी ये तो 1977 में भी घोषित किया गया था, फिर ये भी कहा गया 2014 में कि मोदी जी की आंधी में बह जाएगी कांग्रेस पार्टी, लेकिन उसके बाद भी ये जो 3 प्रदेश सरकार गिराने की कोशिश हो रही है, इसीलिए तो हो रही है कि हम मध्य प्रदेश में भी जीते, राजस्थान में भी जीते, छत्तीसगढ़ में भी जीते। ये बार बार वो एक आपने गाना सुना होगा कि काट दो जुबान मेरी आंसुओं से गाऊंगा, गाड़ दो बीज हूँ पेड़ बन ही जाऊंगा। तो जितना ये विपक्ष और विपक्ष की भावना को मीडिया के सामने रखने वाले बहुत सारे पॉलिटिकल कमेंटेटर और पत्रकार हैं, वो जितना दिखाएंगे कि कांग्रेस पार्टी दब गई है, कांग्रेस पार्टी उतनी मजबूती के साथ आएगी। ठीक है। और मैं आपको एक बात और स्पष्ट रूप से कह दूं कि सचिन पायलट जी के जाने से क्या पार्टी कमजोर होगी, या आप हम अगर हमसे पूछेंगे तो अगर एक कार्यकर्ता भी कांग्रेस पार्टी का कम होता है तो पार्टी कमजोर होती है, लेकिन यदि वही व्यक्ति लगातार पार्टी को ही खत्म करने की कोशिश करे भारतीय जनता पार्टी के मंसूबों को पूरा करने के लिए, तो हमें न चाहते हुए भी वो कदम उठाना पड़ेगा। इसीलिए हो सकता है कि आशुतोष जी को ये विचारों में द्वंद लग रहा हो, लेकिन याद रखिए पार्टी माँ के समान होती है और माँ का दिल दरिया दिल होता है। नहीं, द्वंद तो आपने खुद ही स्वीकार कर लिया था अभी कि कांग्रेस पार्टी के भीतर कुछ द्वंद चल रहे हैं, ये बात तो आपने खुद मान ली अभी अपनी बात शुरू करते हुए आपने कहा इसको। रोहित जी क्या भारतीय जनता पार्टी में और द्वंद्व ना चल रहा होता तो अडवाणी जी की आज ये हालत होती?
मुरली मनोहर, तो फिर तो आप में और आशुतोष जी की बात में कोई अंतर ही नहीं है। आशुतोष जी भी कह रहे हैं कि जैसे भारतीय जनता पार्टी ने आडवाणी जी और मुरली मनोहर जोशी को यह बता दिया था कि आपका समय खत्म, अब नई पौद का समय शुरू हो रहा है, वैसे ही कांग्रेस को बता देना चाहिए था कि अशोक गहलोत जी आपका समय खत्म, अब सचिन पायलट का टाइम शुरू हो रहा है। अगर आप मुझे उसी हिसाब से जाना चाहते हैं तो जयंत सिन्हा क्या पुरानी पौद के हैं? जसवंत सिन्हा ने जो किया उसके कारण जयंत सिन्हा को भी ड्रॉप कर दिया, किया कि नहीं किया मुझे बताइए, किया कि नहीं किया? बात नई पौध और पुरानी पौध की नहीं है इस पर, ठीक है। बात यह है कि यदि अगर पार्टी में कुछ उठा पटक है तो आप ये निष्कर्ष लगा देंगे कि वो पार्टी समाप्त। चलिए, आप पहली नेता है कांग्रेस की जिसने खुल के टीवी पे स्वीकार किया कि आपकी पार्टी में उठा पटक है। अभी तक तो कोई ये तक कहने को तैयार नहीं था कि पार्टी में उठा पटक चल रही है, लेकिन आशुतोष जी वो कह रही है आप जैसे लोग कहते रह जाएंगे कांग्रेस खत्म हो रही है, लेकिन कांग्रेस खत्म नहीं होगी। बोलिए फटाफट, उसके बाद महेंद्र सिंह खेड़ी आ गए, उनसे बात करेंगे। देखिए, रागिनी जी ने अपनी बात पे खुद ही मान लिया कि एक जमाने में कांग्रेस पार्टी वटवृक्ष हुआ करता था, अब बीज रह गया है। तो बीज कुछ जब जमीन में पड़ेगा तो बीज खत्म भी हो सकता है और बीज अंकुरित भी हो सकता है, लेकिन अंकुरित होकर फिर वटवृक्ष बनने में उसको बहुत वक्त लगता है। तो चलिए, रागिनी नायक ने दूसरी तरीके से मेरी बात को सही मान लिया। मैं दूसरी बात कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि कांग्रेस आलाकमान आज की तारीख में पूरी तरीके से कमजोर हो चुका है। यह बात कांग्रेस जितनी जल्दी मान ले उतना अच्छा है, अन्यथा एक जमाना हुआ करता था जब राजीव गांधी का इशारा होता था और कर्नाटक के अंदर वीरेंद्र पाटिल की सरकार चली जाती थी जो बहुमत से चुने हुए थे, आंध्र प्रदेश के अंदर जो है चन्ना रेड्डी की सरकार चली जाती थी और शरद पवार जैसे आदमी जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हुआ करते थे उनको दिल्ली भागकर राजीव गांधी के सामने समर्पण करना पड़ता था। तो वो कांग्रेस भी एक जमाना था, वो कांग्रेस का आलाकमान हुआ करता, आज वो स्थिति नहीं है। अशोक गहलोत दिल्ली आकर आलाकमान से बात नहीं कर रहे हैं, प्रियंका गांधी सचिन पायलट से बात कर रही है, ऐसा आज के अखबारों के फ्रंट पेज पर छपा हुआ है। और उसके बाद अगर अशोक गहलोत बाहर निकल के कहते हैं वो तो निकम्मा है, तो आप मान लीजिए कि अशोक गहलोत को ना तो प्रियंका गांधी की चिंता है, ना सोनिया गांधी की चिंता है, ना राहुल गांधी की चिंता है, और ना ये तीनों मिलकर अशोक गहलोत को राजस्थान के अंदर हटाकर नया नेता चुन सकते हैं। ये सच्चाई है और कांग्रेस पार्टी को उसका एक्सेप्ट करना चाहिए। रागिनी बोल लीजिए, फिर महेंद्र सिंह खेड़ी आ गए सचिन पायलट के समर्थक, उनसे बात करेंगे। जरा बोलिए रागिनी। देखिए, पहली बात तो जो आशुतोष जी ने कहा कि अशोक गहलोत जी को चिंता ही नहीं है कि राहुल गांधी जाएं और प्रियंका जी कुछ कहती रहें। अभी पिछली CWC की मीटिंग में अशोक गहलोत जी ने सबसे मुखर होकर कहा था कि अगर कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व कोई संभाल सकता है तो वो राहुल गांधी जी हैं, सबसे पहले आए और राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। तो मुझे लगता है थोड़ी अपनी जानकारी को और बढ़िया करना चाहिए। दूसरी बात आपने कही बीज को लेकर, तो मैं आपसे कहती हूँ आशुतोष जी, कांग्रेस पार्टी वैचारिक लड़ाई लड़ रही है जबकि सारा विपक्ष एक तरह से नतमस्तक होकर पड़ा हुआ है, और विचारधारा की लड़ाइयाँ लंबी ही होती हैं। हमारी मंजिल दूर हो सकती है लेकिन कम से कम हम सही दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं। विचारधारा की लड़ाई प्रतिद्वंदी से लड़नी है कि आपस में ही लड़ देनी है? तीसरी बात इन्होंने कहा कि ऐसा समय आता था कि भागते हुए जाते थे मुख्यमंत्री। अगर ऐसी ऐसा जो अधिनायकवादी राजनीति है वो मोदी जी की इस वक्त हो सकती है। ये केवल दो ही आदमियों की बात चल रही है, हम तो कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी में सबकी सुनी जाती है, अशोक गहलोत जी की भी सुनी जा रही है, लेकिन सचिन पायलट तो कह रहे हैं कि मैं लगातार बोल रहा था मेरी नहीं सुनी जा रही थी। बात भी सुनी जाएगी। अब किसको सही माने किसको गलत, जरा महेंद्र सिंह खेड़ी आ गए हैं, महेंद्र सिंह खेड़ी आ गए हैं, ये सचिन पायलट के समर्थक हैं, कांग्रेस सेवा दल के प्रवक्ता हुआ करते थे। जब सचिन पायलट के साथ इन्हें लगा कि नाइंसाफी हुई तो इन्होंने पद छोड़ दिया, स्वतः ये फैसला लिया कि अब मैं इस पद पर नहीं रहूंगा। महेंद्र सिंह खेड़ी, स्वागत है आपका आज तक पर। अशोक गहलोत का बड़ा सीधा सीधा हमला और आरोप है आज सचिन पायलट पर, वो कह रहे हैं कि निकम्मा है, नकारा है और 6 महीने से सरकार गिराने की कोशिश कर रहा था, क्या कहेंगे आप? देखिए, सबसे बड़ी बात आज ये है कि पूरा देश का युवा देख रहा है और पूरे हिंदुस्तान ने देखा है कि सचिन पायलट ने जब कांग्रेस राजस्थान में 21 सीटों पर चली गई थी तो उनकी मेहनत थी, युवाओं को जोड़ा था, सीनियर्स को भी मौका दिया था और राहुल गांधी जी को वो हम हमेशा राजस्थान के अंदर पहली बार नीचे जनता के अंदर लेके गए, मजदूरों से मिलाया, पंचायतों में गए, आज उन्होंने पैदल मार्च स्टार्ट किया, लोगों को जोड़ने के लिए उन्होंने काम किया। आज जब कांग्रेस मजबूत हुई तो आज कांग्रेस राजस्थान के अंदर मजबूत है तो 2013 के बाद सचिन पायलट के नेतृत्व में मजबूत हुई है। आज ये कहना सबसे बड़ी ये बात होगी कि अशोक गहलोत जी जब कहते हैं ये पूरे 6 साल सचिन पायलट को प्रदेश अध्यक्ष हटाने के लिए ये क्या कह रहे हैं, इनको खुद को सोचना चाहिए, अपने पुत्र मोह में डूब चुके हैं, इन्होंने सांसद की टिकट अपने बच्चे को दिलाई।
आवाज कट गई खेड़े जी आपकी। वो आरसी के अंदर उन्होंने चेयरमैन बना दिया, आज पुत्र मोह में चले गए, आला कमान की सुन नहीं रहे, खुद फैसले कर रहे हैं, इमीडिएटली फैसले करे जा रहे हैं। रागनी, इससे पहले मैं शाहनवाज जी के पास जाऊं, उन्होंने एक और आरोप लगा दिया पुत्र मोह का। एक तरफ दिल्ली के नेतृत्व पर पुत्र मोह का आरोप लग रहा पहले से, अब इन्होंने स्थानीय नेतृत्व पर भी पुत्र मोह का आरोप लगा दिया। ये आप मुझसे पूछ रहे हैं जी? रागिनी जी, आप ही से पूछ रहा हूं। आप देखिए, पुत्र मोह पर बात निकलेगी तो बहुत दूर तलक जाएगी। मुझे पंकजा मुंडे की बात भी करनी पड़ेगी। जयंत सिन्हा का नाम मैं ले चुकी हूँ, अनुराग ठाकुर और वो जो वहाँ शाहजी बैठे हुए हैं उनके बेटे जो बीसीसीआई में बहुत बड़ा क्रिकेट खेलते थे, तो बीसीसीआई के अध्यक्ष मतलब इनके बेटे हैं, इसलिए आप अपने बेटों को जायज बता देंगे पार्टी के साथ। मुझे ये लगता है, सुनिए, मेरी बात सुनिए। ये मीडिया का जो चित भी मेरी और पट भी मेरी वाला रवैया है मैडम, मीडिया का तो ना चित है ना पट है, और ना ही सिक्का है। सिक्का भी आप में से कोई ना कोई अपनी जेब में रख के ले जाता बाद में। हमारा ना चित है ना पट है, तो ये गलतफहमी निकाल देनी चाहिए। मुझे बोलने दीजिए। अरे भाई साहब, जब तक चलेगा मैं कम से कम प्रवक्ता के रूप में अपना सिक्का तो आपके शो पे थोड़ा सा चला दूं। उछालिए ना, कोई दिक्कत नहीं है, ये जनता तय करती है उसके बाद। मेरा कहने का उछालू नहीं चला लू, ये कह रही हूँ। बहरहाल सुनिए, देखिए बात गंभीर मसला है। ये कहना कि पहले आरोप लगा रहे थे कि राहुल गांधी जी यंग टर्क्स को तो मौका ही नहीं लेने देते, तो भैया हमने कहा कि यूपीए सरकार जब चल रही थी तो राहुल गांधी स्वयं मंत्री नहीं थे, लेकिन सचिन पायलट भी थे, ज्योतिरादित्य सिंधिया भी थे, मिलिंद देवरा भी थे और जितिन प्रसाद भी थे। फिर कहा कि नए भाई जो सिर्फ अगर ये कहें तो ये बात आ जाती है कि भाई जिनके पिता नेता थे उन्हीं के पुत्रों को बनाया जाता है। तो हम कहते हैं कि मीनाक्षी नटराजन भी सांसद बनी, अशोक तंवर भी सांसद बने, मानिक टैगोर भी बने। तो आप देखिए कि कांग्रेस पार्टी नौजवानों को पूरा मौका देती है आगे बढ़ने का भी, और मैं तो ये भी कहूंगी कि महत्वाकांक्षाएं होना बुरा नहीं है, पर यदि आप अपनी राजनीति केवल अपनी ही इच्छाओं और अपनी ही लालसाओं पर आधारित कर लें तो पार्टी को कई बार दिल पे पत्थर रखकर भी कड़े फैसले लेने पड़ते हैं। बोलिए खेड़ी जी, महत्वाकांक्षा तो आपकी है, तो आपके साथ काम कर रहे व्यक्ति की भी है ना, तो बैलेंस तो पार्टी को बनाना पड़ेगा। तो मोह की बात आ रही है, पायलट साहब हमारे आदरणीय संजय पायलट साहब जब एक्सपायर हो गए थे 2000, उसके बाद में पायलट साहब 4 साल बाद आए और उन्होंने अपनी कार्यशैली से, अपनी मजबूती से, अपने खुद के मतलब खुद के नेतृत्व से, खुद का अपनी पहचान बनाई, हर कार्यकर्ता से मिले, ठान लिए। यहाँ के राजस्थान के लोगों के अंदर उन्होंने जो एक मैसेज दिया, युवाओं में एक मैसेज दिया, आज पूरा हमारे पूरा कांग्रेस का युवा सचिन पायलट के साथ खड़ा है। मैडम आप समझ लीजिए, आप कहने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि सचिन पायलट साहब कुछ नहीं है, अशोक गहलोत बौखला गए, आप भी बौखला रही है, क्या बोलना है क्या नहीं बोलना। पायलट साहब की आंधी है आगे और अभी सब कुछ बाकी है। राहुल गांधी जी को पता है इस लड़के में कितना नेतृत्व है, उन्होंने हमेशा राहुल गांधी जी ने आगे सचिन पायलट का चेहरा किया था। आज सचिन पायलट को वोट मिले, आज हमारे क्षेत्र के अंदर आप देखेंगे तो सीकर, झुंझुनू, दौसा, सवाई माधो, अपने कोटा, आवाज इन जगह अगर सचिन पायलट साहब के चेहरे को वोट मिले हैं अजमेर, इन चेहरे सिर्फ ओनली सचिन पायलट के चेहरे को मिले, ये कहना इनको बंद करना चाहिए कि कांग्रेस अगर जीती है तो सचिन पायलट की मेहनत से जीती है। खेड़ी जी, और 1.5 साल से, लेकिन खेड़ी जी, अगर सचिन पायलट और उनके समर्थक विधायकों की सदस्यता, प्रदेश अध्यक्ष से बात नहीं है, सुनिए ना, प्रदेश अध्यक्ष से बात नहीं है, तो अविनाश पांडे जैसे प्रभारी को यहाँ क्यों रख रखा है राहुल जी ने? आज जो सिर्फ अशोक गहलोत जी के चमचागिरी कर रहे हैं और अपनी दलाली से अपना काम चला रहे हैं, ऐसे संगठन में लोगों को तो निकाल के फेंकना चाहिए जो पूरी बात आला कमान तक नहीं पहुंचा पाए। तो इन बातों को ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, रागनी कुछ बोलना चाहते हैं बोल लीजिए, फिर शरद और शाहनवाज जी वेट कर रहे हैं, शाहनवाज जी के पास और आलोक के पास, अजय आलोक के पास। बोलिए रागनी फटाफट, छोटा सा कमेंट, जो बातें ये कह रहे हैं आपके लिए। छोटी सी बात कहूंगी। देखिए आज मैं तो ये बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि इस तरीके का विजुअल सामने आए जिसमें खेड़ी भाई साहब और मेरे बीच में वर्जेस लिखा हुआ आए, यानी कि हम दोनों के बीच में मतभेद है, मैं बिल्कुल नहीं चाहती थी। और मैं जी, आपको अशोक जी और सचिन जी के बीच में वर्सेस चल रहा पिछले एक हफ्ते से, लेकिन आपको ये बात समझनी पड़ेगी। ये कभी भी कांग्रेस पार्टी ने ना पहले कहा ना हम आज कह रहे हैं कि सचिन पायलट जी का कोई योगदान ही नहीं है पार्टी में, ये कौन कह रहा है? लेकिन हम ये कह रहे हैं कि सचिन पायलट जी आप कह रहे सुन नहीं रहा है कोई, 2 बार विधायक दल की मीटिंग बुलाई गई, और सुनिए ना,
सुनिए भाई साहब सुनिए, दो बार विधायक दल की मीटिंग बुलाई गई, कहा गया कि सचिन पायलट जी मीडिया के जरिए बात लीक ना करें, विधायक दल की मीटिंग में आकर बात कहें। वहां पर दिल्ली से भी बहुत सारे पर्यवेक्षक गए थे, लेकिन सचिन पायलट जी नहीं आए। उस प्रदेश में जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आईटीसी के होटल में बैठ गए, गुड़गांव के कमिश्नर को ये ड्यूटी लगाई गई कि वो नाकाबंदी करें, अब दिल्ली के कुछ होटलों में बिठा दिया गया है। ऐसे टेप निकल कर आ रहे हैं जिससे पता चल रहा है कि करोड़ों के लेन देन की बात हो रही थी। तो ऐसे में आप बताइए कि कांग्रेस पार्टी को क्या करना चाहिए। हम तो आज भी कह रहे हैं कि आकर बात करें, लेकिन यदि भारतीय जनता पार्टी की जुबान बोलने लगेंगे, अपने ही घर में आग लगाने की कोशिश करेंगे, तो वो तो नहीं किया जा सकता। ये अच्छा है, एक तरफ से कहें कि आओ बात करते हैं और दूसरी तरफ से पब्लिकली 40 कैमरे लगा के वहां उनको ऐसी ऐसी भाषा में बात कही जाए कि सामने वाला अगर बात करना चाहता भी हो तो उसकी बात करने की हिम्मत टूट जाए, है ना रागनी जी? वापस आके इस पर कमेंट लूंगा आपसे। अरे गहलोत जी से नहीं करना चाहते? ठीक ठीक मैडम, रहना तो जनरल सेक्रेटरी से, अरे रहना तो वही होता है ना मैडम, आप भी जानती हैं। केसी वेणुगोपाल जी वहां हैं, अजय माकन जी वहां हैं। आप गहलोत जी से अगर आप रुष्ट हैं तो आप दूसरों से आकर बात करें, पर आप आना भी नहीं चाहते। मैं कांग्रेस में भी हूं पर मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश में रुकूंगा, उनके पुलिस कमिश्नर के आश्रय में रहूंगा, ये तो नहीं हो सकता ना। ये आप बताएं, आप क्रोनोलॉजी थोड़ी सी आप भी समझिए। ठीक है मैडम, हम तो क्रोनोलॉजी देख ही रहे हैं लगातार, तो पता चलेगा। हम तो क्रोनोलॉजी लगातार देख ही रहे हैं और इसीलिए बार बार कह रहे हैं कि भाई लड़ाई आपस की थी, कंधा किसी और का तलाशा जा रहा था क्या, कि भाई अपना नाम भी ना खराब हो और काम भी हो जाए, इज्जत भी बच जाए और काम भी हो जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया क्या? शरद के पास एक बार चले चले, शाहनवाज जी आपके पास आने पहले फटाफट ग्राउंड रिपोर्ट शरद दे रहे हैं, क्योंकि अदालत में अब मामला आ चुका है। शरद, अदालत में क्या चल रहा है? और सचिन पायलट समर्थक जो खेड़ी कह रहे हैं, आज हमने सुना कई पंचायतों में यह चर्चा हुई कि एक महापंचायत बुलाई जाए समुदाय की पूरी और फिर खड़ा किया जाए सबको सचिन पायलट के समर्थन में, चल क्या रहा है वहां? देखिए अदालत में तो फिलहाल हरीश सालवे चाह रहे हैं कि कल तक के लिए सुनवाई टल जाए, एक दिन का वक्त मांगा है, उस पे सीजे अभी बात कर रहे हैं विधानसभा अध्यक्ष वकील के जरिए। दूसरी, जब जमीन को आपने ठीक कहा रोहित, एक जो ग्रामीण इलाके में है गुजर समुदाय में एक रोष है जिसको लेकर अलग अलग जगह पर पंचायतें चल रही है, लेकिन जिस तरह से अशोक गहलोत ने अटैक किया है उसको लेकर सचिन पायलट के समर्थकों में काफी रोष है। उनका कहना है कि जिस तरह से उन्होंने कहा कि नकारा था, निकम्मा था 6-7 साल से, करे ये बात वो अब पहली बार सार्वजनिक कहे हैं लेकिन हर किसी से कहते थे, इसी बात का दुख था सचिन पायलट को। और दूसरा, उन्होंने एक बड़ा अटैक अपने कांग्रेस पर ही किया है, बोला कि AICC में अध्यक्ष पद के लिए कॉरपोरेट की लॉबिंग होती है, तो कहीं ना कहीं आज सीधे सीधे आला कमान के ऊपर भी उंगली उठाई है, दिल्ली की जो लॉबी है नेताओं की वहां पर भी उठाई है कि कॉरपोरेट के जरिए AICC के अध्यक्ष की पद की लॉबिंग होती है। तो जिस तरह से अशोक गहलोत आज हमलावर थे, आज ऐसा लग रहा था किसी को छोड़ने के मूड में नहीं है, और यही बात जो है पायलट समर्थकों में इसी वजह से रोष है। आप सोशल मीडिया पर देखिएगा, सोशल मीडिया पर हर तरफ पायलट के समर्थन में ऐसा लग रहा है कोई लहर चल रही है। पार्टी आला कमान को भी नहीं छोड़ेंगे अशोक गहलोत, वो जानते हैं उनके पास अगर बहुमत है। देखिए अशोक गहलोत जानते हैं कि उनके पास बहुमत है और वो सरकार बचा लेंगे, ये इसलिए चाह रहे हैं कि अगर सचिन पायलट गिरे हैं तो गिरे हुए व्यक्ति को इतना ताबड़तोड़ मार किया जाए कि वो उठ नहीं पाए। फिलहाल तो उनका यही स्ट्रेटेजी है कि कहीं दिल्ली में कोई जुगाड़ न कर ले सचिन पायलट वापसी का, अगर बहुमत साबित नहीं हो रहा है तो, इसलिए लगातार ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं वो। और उनका जो अशोक गहलोत के स्ट्रेटेजी, अशोक गहलोत सीजन पॉलिटिशियन है, उन्होंने बहुत बहुत नाथुरा मिर्धा लेकिन शरद अगर लेकर नटवर सिंह तक, अगर केंद्रीय नेतृत्व बार बार ये संकेत दे रहा है कि सचिन के लिए दरवाजे खुले हैं और अशोक गहलोत पैर जमा के बैठ गए हैं कि मेरे रहते ये कैसे वापस आता मैं देखता हूं, वो परिस्थिति पार्टी आला कमान के लिए भी तो एक नेगेटिव मैसेज देती है कि अशोक गहलोत भारी पड़ रहे हैं उन पर। देखिए ये बात अब किसी से छुपी नहीं है कि दिल्ली दरबार कमजोर हो चुका है। जब जब दिल्ली की सल्तनत कमजोर होती है छत्रप सर उठाते हैं, भारत का इतिहास रहा है, भारतवर्ष का इतिहास रहा है, तो अशोक गहलोत को निर्देश दे कांग्रेस आला कमान, ऐसा लगता नहीं है। और अशोक गहलोत ने एक तरह से जो आप कह रहे हैं कि दरवाजे खोलने की कोई गुंजाइश हो उसको जोर जोर से धक्का देकर अशोक गहलोत बंद कर रहे हैं कि कहीं दरवाजा खुल ना जाए, क्योंकि सचिन पायलट कमजोर पड़े हैं, कहीं ना कहीं सचिन पायलट की रणनीति में चूक हुई है। और अशोक गहलोत जो है वो अब महाराष्ट्र की उदाहरण ले लें या राजस्थान की ले लें, जो शाह मोदी की नीति है उस पर कहीं ना कहीं ये जो बूढ़े बुजुर्ग हैं वो हावी हो रहे हैं,
ये देखने को मिला है। अब अशोक गहलोत का पूरा फोकस यही है कि सचिन पायलट को पूरी तरह से बदनाम किया जाए और कांग्रेस में आने के दरवाजे को रोका जाए उनके। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया शरद तिलावला से ग्राउंड रिपोर्ट देने के लिए। शाहनवाज हुसैन, चिराग जलाने में उंगलियां जला ली आप लोगों ने, क्योंकि बार बार आरोप आ रहा है कि भाई आप लोग की पुलिस क्यों रोकती है राजस्थान की पुलिस को। देखिए, आप लोगों के शासन वाली सरकारों में ही उनको मन की शांति क्यों मिल रही है, सचिन पायलट के जो समर्थक हैं। देखिए, कांग्रेस हताश और निराश है। अशोक गहलोत जी शालीन व्यक्ति रहे, लेकिन जिस तरह से आदमी, जब कमजोर आदमी जोर से बोलता है, गाली गलौज पे आता है, और इसी तरह अपने ही पार्टी में जो बने हुए हैं, जिनको पार्टी से अभी निकाला भी नहीं है, उनको निकम्मा, नाकारा और किस तरह के शब्द बोले जा रहे हैं। कांग्रेस के दो प्रवक्ता अपने बैठाए हैं, एक सचिन कांग्रेस के और एक गहलोत कांग्रेस के, और दोनों की जो भाषा है, एक दूसरे को जवाब है, उससे आप साफ संदेश देख रहे हैं कि कांग्रेस का कुछ बचा नहीं है। मुझे तो जो व्यक्ति गंभीर होता है उसकी भाषा गंभीर होती है। अशोक गहलोत इस तरह की भाषा बोलेंगे, निकम्मा और नाकारा बोलेंगे, इससे साफ जाहिर है कि अशोक गहलोत अल्पमत में सरकार जाने वाली है। वो नियंत्रण पूरी तरह अपने वाणी पर भी खो चुके हैं। शाहनवाज जी का कुछ बचा नहीं, लेकिन आपको भी तो मिला नहीं। हमारा कोई लेना देना नहीं है इससे। जो आप लोगों ने सोचा था वो तो हो नहीं पाया ना। नहीं, हम लोगों ने कुछ सोचा ही नहीं था। क्या बात कर रहे हैं सर, का आपस का झगड़ा है। इनकम टैक्स अचानक पहुंच गया सुबह सुबह। भाई, हम विपक्षी दल है, हमने क्या सोचा जनाब। हमारे 71 हमारे MLA है, हमारा हम कोई, हमारे पास वहाँ अच्छी संख्या है, विपक्ष के हम नेता हैं और हम एक नजर वहां रख रहे हैं। ये कांग्रेस ही एक दूसरे का सर फोड़े और आप मुकदमा दर्ज करा दें दूसरे सर, नजर वहीं से रख रहे हैं तो कोई बात नहीं थी। अगर नजर दिल्ली से भी रख रहे हैं, कांग्रेस के MLA एक दूसरे को गाली दें, निकम्मा नकारा कहें, एक दूसरे को गद्दार कहें, पीठ में छुरा भोगने वाला कहें, और आप कहें बीजेपी का रोल है। किस बीजेपी के नेता का रोल इसमें आ गया जनाब, हमारा क्या लेना देना। अगर कांग्रेस नेतृत्व एक ऑडियो टेप आया, नहीं संभल रही कांग्रेस पार्टी ने, उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आपके नेताओं के केंद्रीय मंत्री तक के सीधे सीधे नाम लिए, 4 दिन लग गए तो आपको चिट्ठी लिखने में कि तो इसकी जांच करवाओ, ये डॉक्टर है इसका। देखिए, ये पूरी तरह संयंत्र है, साजिश है, ये सब कुछ कर रहे हैं लेकिन कुछ होने वाला नहीं है। कांग्रेस पार्टी के नेता अशोक गहलोत मुख्यमंत्री जो आज है वो अल्पमत में है, और वो इसी घबराहट में इस तरह की भाषा बोल रहे हैं। नहीं तो मैं और कांग्रेस के कोई नेता बोलते मैं यकीन करता, लेकिन अशोक जी तो बहुत शालीन व्यक्ति हैं, उनसे इस तरह की जबान से अपने ही एक साथी के लिए, जिसको राहुल जी ने प्रदेश अध्यक्ष बनाया हो, मनमोहन सिंह जी ने भारत सरकार का मंत्री बनाया हो, जिनके पिताजी एक बड़े नेता रहे हो, उनको निकम्मा और नाकारा कहें, और वो अशोक गहलोत जो मुख्यमंत्री रहते हुए अपने बेटों को जो नहीं जिता सके, वो अपने ही साथी के लिए ऐसा कहें, इसका मतलब समझ जाइए रोहित जी, अशोक गहलोत अल्पमत में चले गए। सर, मैं एकदम जिम्मेदारी से कहता सर, अल्पमत में चले गए होते तो आपके चेहरे का नूर कुछ और होता सर। दिक्कत तो वही है, आपने सुना नहीं अभी शरद को। शरद कह रहे हैं कि वो अपने आला कमान को चुनौती इसलिए दे पा रहे हैं कि वो अल्पमत में नहीं है, वो जानते हैं। अब आला कमान को चुनौती आप ही खबर दिखा रहे हैं रोहित जी, प्रियंका जी बात कर रही हैं, आपके सोर्स बता रहे हैं, आपके रिपोर्टर बता रहे हैं, प्रियंका जी राहुल जी बात अगर कर रहे हैं तो क्या निकम्मे और नाकारे आदमी से बात कर रहे हैं। सचिन पायलट इम्पोर्टेंट प्रियंका जी के नजर में और राहुल जी के नजर में इम्पोर्टेंट है, ठीक है, और रागिनी जी और अशोक गहलोत के नजर में इतना उनके लिए अपमान कर दिया जाएगा, उनको पीठ में छुरा भोगने वाला बता दिया जाए, ठीक है। आशुतोष कुछ कहना चाह रहे हैं, पहले रागिनी पे यकीन करें, ठीक है। आशुतोष बोलिए, फिर आगे आलोक, फिर रागिनी जी, प्लीज थोड़ा वेट करना पड़ेगा, देखिए काफी देर से वेट कर रहे हैं दोनों। देखिए शाहनवाज भाई जो बात कह रहे हैं, आज उनको सचिन पायलट पे बड़े सुरखाब के पर नजर आ रहे हैं, और ऐसा तब होता पड़ोसी की नजर पड़ोसी के बेटे पर तब होती जब बेटे पर नहीं उसकी संपत्ति पे नजर होती है। तो दरअसल सचिन पायलट के लिए इतनी अच्छी शब्दों का इस्तेमाल करना कि देखो मंत्री बना दिया, ये बना दिया, वो बना, इसका मतलब आप समझिए राजनीति के अंदर। लेकिन एक बात बताऊं, राजस्थान के अंदर कुछ नया हो रहा है। क्या नया हो रहा है? अब तक कर्नाटक के अंदर या महाराष्ट्र के अंदर या मध्य प्रदेश के अंदर जब भी कांग्रेस की सरकार अस्थिर होती थी, तब ये CRPF के लोग, इनकम टैक्स के लोग, ED के लोग जो है वो उन जगहों पे जाके छापे मारने की कोशिश करते थे जहां जहां कांग्रेस के विधायक छिपे होते थे। आज स्थिति उल्टी हो गई है। आज राजस्थान की जो पुलिस है, राजस्थान की सरकार के जो नुमाइंदे हैं, वो उन इलाकों में जा रही जिन जिन जहां पर बीजेपी ने उन विधायकों को संभाल के रखा हुआ है।
एक होटल में तो घुसने नहीं दिया, घुसने दिया तब तक वहां सारे एमएलए गायब हो चुके थे, हमने तो संभाल के रखा है, गायब हो चुके थे। यहाँ केंद्रीय मंत्री शेखावत है उनकी पड़ताल हो रही, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गया है, उनके वाइस सैंपल की बात हो रही है, ये सब उल्टा हो रहा, जो काम बीजेपी किया करती थी दरअसल अब वही काम अशोक गहलोत ने कहा। बीजेपी जो है बीजेपी अब बीजेपी की हालत थोड़ी खराब हो चुकी, इसका मतलब समझिए आप उल्टा हो गया। आपको याद होगा, याद होगा कि डीके सुकुमार के रिसोर्ट में, डीके सुकुमार के रिसोर्ट में कैसे जो इनकम टैक्स और ईडी पहुंच गई थी। आज पहले दिन तो इनकम टैक्स ईडी जयपुर पहुंची, लेकिन उसके बाद से इनकम टैक्स ईडी गायब है, खुद इनके अपने केंद्रीय मंत्री को सफाई देनी पड़ रही है। ठीक है, तो मामला थोड़ा उल्टा हो गया है, इसीलिए कह रहे हमको फ्लोर टेस्ट नहीं चाहिए। ओके, किसने बोल दिया कि बीजेपी ने छिपा रखा है? आशुतोष जी, क्या सोर्स है आपका? शाहनवाज जी, आप गए थे देखने के लिए कि किसने छिपा रखा है? शाहनवाज जी, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी हो गए आप। शाहनवाज जी, आप तो कैबिनेट मिनिस्टर रह चुके हैं, आप कम से कम बीजेपी के दूसरे प्रवक्ताओं वाली भाषा मत बोलिए, आप समझदार आदमी है। नहीं, नहीं। दूसरा बीजेपी का प्रवक्ता बोलता है, मैं मान लेता हूँ, आप तो समझदार आदमी है। आपसे पूछ रहा हूं कि आपको किसने कह दिया कि बीजेपी ने छिपा रखा है? मैं तो यही आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, खोजी 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 पत्रकारिता कर रहे हैं। शाहनवाज जी, एक बात तो आपको बतानी चाहिए ना, एक सेकंड। शाहनवाज जी, तीन दिन पहले एसओजी की टीम पहुंची भंवरलाल शर्मा से पूछताछ करने, हरियाणा की पुलिस ने अंदर नहीं जाने दिया, पौन घंटे दरवाजे पे खड़े रहे, उसके बाद जब रिजॉर्ट में घुस भी पाए तो भंवरलाल नहीं मिले उनको, वहां कहां चले गए? रिजॉर्ट के अंदर ही अंदर से गुम हो गए सर। कोई देखिए जनाब, कोई पुलिस किसी राज्य में जाती है और राज्य को इन्फॉर्म करती है, उसमें थोड़ा समय लगा होगा सर। किसी चोर डाकू लुटेरे हत्यारे इनामी बदमाश को ढूंढने जाती है तो करती है ना सर। कर रहे हैं शाहनवाज भाई, क्या बात? नहीं नहीं, क्या बात कर रहे हैं, क्या बात? यानी आप कोई पुलिस कहीं चली जाएगी? यानी नहीं नहीं, मैं आपको कह रहा हूँ कि कोई पुलिस जाएगी तो राज्य के अलग राज, अरे भाई सुनिए आशुतोष जी, कोई पुलिस कहीं जाएगी तो उस राज्य के डीजीपी को या पुलिस को खबर करेगी या गन उठा के चल देगी, खबर किया होगा। हरियाणा पुलिस वो जो बेंगलोर में, वो जो बेंगलोर के डीके सुकुमार के रिसोर्ट में गई थी, क्या वहां आपकी सरकार ने, आपके आपके एजेंसी ने परमिशन ली थी क्या? इनकम टैक्स ने? इनकम टैक्स किससे परमिशन लेता? कांग्रेस ऑफिस से। वो भाई, तो फिर क्यों आप इनकम टैक्स को, इनकम टैक्स को मेरे घर या आपके घर आने के लिए परमिशन लेना पड़ेगा क्या आशुतोष जी? ठीक सर, एक सेकंड रोकते हुए, जरा आप दोनों को रोकते हुए, अजय आलोक आपके पास आ रहा हूँ कमेंट करने लेने के लिए, लेकिन उसके पहले जरा अशोक गहलोत का एक बयान सुन लेना चाहिए। सचिन पायलट पर हमले में अशोक गहलोत ने आज एआईसीसी अध्यक्ष पद के लिए कॉरपोरेट स्पॉन्सरशिप तक की बात कर दी, जिसका अभी शरद कुमार हमारे सहयोगी जिक्र कर रहे थे, जरा हम उस बयान को सुनवाएं। उसके पहले अजय आलोक अपना कमेंट कर लीजिए फटाफट, ये जो पूरा घटनाक्रम चल रहा है इसमें राजस्थान से क्या राजनीतिक मैसेज राजनीतिक पार्टियों के लिए है और देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए? देखिए, राजस्थान का पूरा घटनातंत्र से कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत अच्छा मैसेज है और गांधी परिवार के लिए खराब मैसेज है, क्योंकि कांग्रेस परिवार माननीय नेहरू जी ने अगर महात्मा गांधी की बात मानी होती तब तो आजादी के बाद से ही कांग्रेस पार्टी को पार्टीशन के बाद खत्म कर देना चाहिए था, नहीं मानी, कांग्रेस नेहरू बना के चलाया, फिर जब विद्रोह के स्वर उठे, इंदिरा गांधी फुल पावर में आई तो कांग्रेस आई बन गई, ये क्रम चलता रहा। और राजस्थान, मध्य प्रदेश, हर स्टेट में अब धीरे धीरे कमोबेश कांग्रेस परिवार का हर युवा व्यक्ति अब गांधी परिवार के चंगुल से निकलने को बेचैन हो रहा है। उस कड़ी में सचिन पायलट भी थे, और अब जो इन्होंने कांग्रेस आलाकमान पे डायरेक्ट हमला किया है गहलोत साहब ने कि कॉरपोरेट लॉबिंग होती है, तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि पासा फिर कहीं नहीं बदलेगा। लेकिन एक बात तय है, जो पासा कहीं भी जाए, इधर जाए चाहे उधर जाए, कांग्रेस की सरकार जानी तय है, ये एक सप्ताह 10 दिन के अंदर भीतर ही आपको ये खबर मिल जाएगी। इस सरकार की उल्टी गिनती तय है, कांग्रेस पार्टी के लिए शुभ संकेत ये है कि गांधी परिवार के चंगुल से निकलने के लिए पार्टी बिल्कुल जल बिन मछली की तरह तड़प रही है, निकल जाएगी, यही एक शुभ संकेत है, मुझे तो यही लगता है। अशोक गहलोत का बयान सुनते हैं रागनी, उसके बाद कमेंट कीजिएगा। सुन लीजिए आप भी क्या बोला उन्होंने, सुनवाते हैं अशोक गहलोत का बयान। तभी बॉम्बे का कॉर्पोरेट हाउस जो है, बॉम्बे के कॉर्पोरेट हाउसेज के लोग उनको स्पॉन्सर करें, अध्यक्ष एआईसीसी के बने, स्पॉन्सरशिप हो रही बॉम्बे से कॉर्पोरेट हाउसेज की, क्योंकि आप कॉर्पोरेट मिनिस्टर हैं। तो सुना आपने अशोक गहलोत को, और इस बीच सचिन पायलट की प्रतिक्रिया
अशोक गहलोत के आज के बयान पर आई है। सचिन पायलट का कहना है कि मेरी छवि को खराब करने की कोशिश की जा रही है। अशोक गहलोत के सारे आरोप बेबुनियाद हैं, निराधार हैं। मैं गहलोत के आरोपों से दुखी हूं, ये बात सचिन पायलट ने कही है। लेकिन ये भी कहा, दुखी हूं मगर हैरान नहीं हूं। इस तरीके के आरोपों से ये बात सचिन पायलट की तरफ से निकलकर सामने आई है। अब रागिनी नायक, सचिन पायलट जिसको केंद्रीय नेतृत्व चाहता कि वो पार्टी में रहे, और अशोक गहलोत पैर जमा के बैठ गए हैं कि देखते हैं मेरे होते कैसे हुआ, तो अशोक गहलोत क्या पार्टी आला कमान पर भी भारी पड़ रहे हैं? और जो दूसरा बड़ा आरोप उन्होंने लगा दिया कॉरपोरेट लॉबिंग का, वो तो सीधा सीधा हमला है केंद्रीय नेतृत्व पर भी पार्टी के। रागिनी जी, नहीं, केंद्रीय नेतृत्व पर कैसे हमला है मुझे समझ नहीं आया, मुझे समझ नहीं आया। उन्होंने ये कहा कि ये कहूं कि ये आरोप लगाया कि सचिन पायलट जी कुछ कॉर्पोरेट लॉबी का सहारा लेकर शायद INC अध्यक्ष बनना चाहते थे, ये बात उन्होंने कही है। अब वो ये बात तो गहलोत जी इसका पुष्टिकरण कर सकते हैं कि किस कारण से कही है, नहीं कही है। ये कांग्रेस के तत्कालीन नेतृत्व पर किस तरीके का अटैक है मुझे समझ नहीं आया। पर रोहित जी, मैं आपको एक बात स्पष्ट रूप से कहना चाहती हूँ कि आप ये जो बताने की लगातार कोशिश कर रहे हैं कि गहलोत जी एक बात चाहते हैं और आला कमान दूसरी बात चाहती है, ये तो तभी सिद्ध हो सकता है जब सचिन पायलट जी आकर कांग्रेस पार्टी में, पहली चीज आपने शायद सुना नहीं, बात करें या पहला बयान आशुतोष जी ने दिया कार्यक्रम में, सचिन पायलट और ये बताने की कोशिश उन्होंने की जो आप अभी तक समझ नहीं पा रही है कि उन्होंने कैसे की, ये आशुतोष जी ने कहा। सुनिए, मैं ये बहस उसी पर आगे बढ़ी जो पहले वक्ता ने अपनी बात रखी। मुझे एक मिनट का समय दे दीजिए। सचिन पायलट कांग्रेस पार्टी में आकर बात ही नहीं करना चाह रहे हैं और आप लोगों की समीक्षा ये है कि लड़ाई चल रही है अब केंद्रीय नेतृत्व और अशोक गहलोत जी के बीच में। अरे सचिन पायलट जी आकर बात कहें तब कोई निष्कर्ष निकालिएगा, पहली बात। फिर मैं अजय आलोक जी से कह दूं कि जल बिन मछली तो पता नहीं, लेकिन बिहार के लोग बहुत बिजली पानी के प्रकोप से प्रताड़ित हैं, तो सरकार किसकी गिरेगी ये अभी पता चल जाएगा 2022 में, उसकी चिंता करिए पहले। अब मैं शहनवाज जी पर आती हूँ। भारतीय जनता पार्टी का अजब राजनीतिक फसाना है, आग भी लगानी है और मातम भी मनाना है। अरे अगर आपको लगता है कि हमारी सरकार अल्पमत में है तो आप अपने CLP को भेजिए गवर्नर के पास और फ्लोर टेस्ट की मांग करिए। मैं यहाँ बोल रहा हूँ, मैं आपके बोलने से क्या होगा, जो संवैधानिक प्रणाली है, प्रक्रिया है, उसको पूरा करिए। आपके पास सचिन पायलट है नहीं, दुख आपको इस बात का हो रहा है। और जरा ये भी बताइए कि वसुंधरा राजे क्यों कोप भवन में बैठी हैं, गजेंद्र सिंह शेखावत तो पलके बिछाए इंतजार कर रहे हैं। तो जब दूसरे के घर में आग लगाई जाती है तो कई बार आंच अपने घर में भी लग जाती है, तो आप अपने घर की अंतर कलह को भी संभाल लीजिए, क्योंकि हमारे पास तो बहुमत है। आपके पास न सरकार है न सचिन पायलट है, आप क्या करेंगे? ओके खेड़ी साहब, सचिन पायलट ने क्या केंद्रीय नेतृत्व से कभी बात करने की कोशिश नहीं की? कभी दिल्ली तक अपनी बात नहीं पहुंचाई? कभी अपनी तकलीफ अपना कष्ट नहीं बताया? सबसे बड़ी बात है कि ये बात आपके सामने बयान कर चुके हैं अशोक गहलोत जी, कि उन्होंने कहा 1.5 साल से मेरी बात हुई। अविनाश पांडे हमारे यहाँ के प्रभारी, आला कमान से सारी बात पायलट साहब ने भी रखी कि हर कार्यकर्ता जो 5 साल रोड पे डंडे खाए, धरने प्रदर्शन किए, जिन लोगों ने मेहनत की है उनको आज सम्मान मिलना चाहिए। अशोक गहलोत साहब इस चीज का विरोध कर रहे थे और हमेशा उन लोग, जब जब अशोक गहलोत जी की सरकार आई है वो जब जब उन्होंने कार्यकर्ताओं की अनदेखी की है और उनको जब जब चेहरा उनका आगे किया गया है वो चुनाव में बिल्कुल हारे। आज सचिन पायलट जी ने कार्यकर्ताओं की लड़ाई लड़ रहे थे, आला कमान से बात की, अविनाश पांडे, अब अविनाश पांडे हमारे यहाँ के महासचिव है, प्रभारी है राजस्थान के, हर कार्यकर्ता की बात सुनते, वो आते हैं होटल में बैठते हैं, खाना खाया, अपने के नाम से अशोक गहलोत जी से मिले, अपनी व्यवस्था की और चल दी, कार्यकर्ता से नहीं मिले। कोई रिपोर्ट उन्होंने आज तक आलाकमान को नहीं बताई। सचिन पायलट जी हमेशा इन चीजों का जिक्र करते थे कि मैं कार्यकर्ताओं ने जिन्होंने 5 साल डंडे खाए और सरकार लेके आए उन्हें इस राज में मौका मिलना चाहिए। दूसरी चीज, जो विधायक जीत के आए उनके क्षेत्र में काम होना चाहिए। और हमने संगठनों से, चाहे से रोजगार के लिए, युवाओं से जो वादे किए हैं, और जो हमारा घोषणा पत्र हमने बनाया था उस घोषणा पत्र पे काम होना चाहिए। ठीक है, आज तक 1.5 साल से कोई काम नहीं हुआ। लोग आते हैं पायलट साहब के पास, अशोक गहलोत तो मिलते ही नहीं है, वो CM सिक्योरिटी उनकी टाइम नहीं देती लोगों को। ठीक है, हम लोगों ने अभी भी 10-15-20 दिन पहले महासंघ, जो हमारे यहाँ संगठन के लोग हैं, दो संगठनों के लोग आके मिले कि अशोक गहलोत जी कहते हैं धर्मेंद्र राठौड़ से मिल लो,
धर्मेंद्र राठौड़ क्या है, आज तक कमेटी नहीं बनी। तो अशोक गहलोत जी तो संगठन से भी नहीं मिल रहे, उन्होंने संगठन के लिए जब सरकार बनती है तो एक कमेटी बनती है। कि आप ये कह रहे हैं कि सचिन पायलट की बात कैसे आगे जाती जब मुख्यमंत्री के साथ ही संवादहीनता थी पिछले 1.5 साल से, जिसको मुख्यमंत्री खुद एक इंटरव्यू में स्वीकार कर चुके हैं। कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि दरवाजे खुले हैं, आए बात कर लें, अपनी शिकायत सामने रखें, उसका समाधान ले लें। अशोक गहलोत कह रहे हैं निकम्मा था, नकारा था, चाल चरित्र सबके सामने आ गया, इसीलिए सवाल बार बार उठाना पड़ रहा कि रामा रामा कब तक चलेगा ये ड्रामा। जनता से हमने सवाल जो पूछा उसके जवाब क्या है, ब्रेक के बाद बताएंगे। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, दंगल आखिरी पड़ा पर होगा, देखते रहिए आज। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओमकश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।